भाई अभी जैसे मैं आपको जिम्नी विम्नी का दिखा रहा था, जिम्नी से तो भाई मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई मैं सारा इंटीरियर वगैरह और वो सब आपको बताऊंगा क्या मॉडल लिया कितने का पड़ा, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी कार है। सो भाई मोमेंट आ गया वाला जब हम भाई गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं। और भाई बिल्ड क्वालिटी, भाई ये देखो बिल्ड क्वालिटी कितनी इंप्रूव कर दी मारुति वालों ने, बहुत बढ़िया है बहुत। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द मस्करी व्लॉग्स। आई होप सो यू आर डूइंग फाइन और आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, घर पे होगे और हमें देख रहे होगे। अभी भाई मेरे बाल हो गए पूरे मैसी 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 वैसे वाले। और भाई आज शेर निकला अकेले, शेर निकला आज भाई स्कूटी पे अकेले। शेर के दोस्त बड़े आलसी है, तुम्हें पता ही है कि शेर आलसी है, तो शेर के दोस्त को आलसी हो गई। आप देखना अचानक से आए सनकिस्ट, क्या बात है भाई। आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी मेरे को नहीं पता, बट अभी आज मैं ना दो गली पार ही निकला हूँ, तो भाई प्लीज़ डोंट जज कि हेलमेट नहीं पहना ये नहीं पहना। इसीलिए बाकी क्या कहते हैं, आज हम जा रहे हैं भाई मोस्ट स्पेशल चीज़ करने, अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। कौन गाड़ी ले रहा है और कौन सी गाड़ी ले रहे हैं वो आगे पता लगेगा। अभी यार ये बाल अभी रुक के थोड़ा सा सेट करता हूँ, अभी बीच में बात नहीं करता ज़्यादा, रुक के आप लोगों से आगे मिलता है। ओके गाइस अब काफ़ी देर हो गई थी और भाई हम उतर गए थे और ये है कि अब हम जा रहे हैं फाइनली गाड़ी की डिलीवरी ले लें। और भाई ये नया चेहरा दिख रहा होगा, इसे आपने देखा होगा एक दो व्लॉग में शायद, हाँ वो जो पतंग वाला 15 अगस्त वाला बनाया था उसमें थोड़ी सी झलक दिखी थी। तो मैं पहले मिलवा देता हूँ, भाई पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दे। मैं भाई वंश शर्मा, मैं इनका छोटा भाई मयन भैया। हाँ ये मेरी जो बुआ जी हैं भाई उनका सुपुत्र साहब हैं ये वंश शर्मा, वंशी जो हो जाता है वंशी। तो भाई आप मिल लो ओनर साहब से। तो मेरा भाई ले रहा है भाई गाड़ी और अभी मैं हम जा रहे हैं भाई डिलीवरी लेने, पीडीआई करेंगे उसकी, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। तो आगे मिलते हैं आप लोगों से। से पहुंच गए हम ये नेक्सा वाले पे, ये है भाई दिलशाद गार्डन वाला नेक्सा। तो फिर से हम पहुंच गए। इससे पहले आपने देखा होगा वो फ्रॉन्क्स वाली डिलीवरी वीडियो में, जो अगर नहीं होगा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो भाई हम लेने आए हैं डिलीवरी। अब कौन सी गाड़ी है कौन सी गाड़ी नहीं है आपको ओनर से तो मिलवाई दी है वंश शर्मा से। तो अब अंदर चलते हैं, दिखाते हैं, साइड हो जाए थोड़ा सा, अंदर चलते हैं, बताते हैं। भाई होंडा की गाड़ी में आया और लेने आया मारुति सुजुकी नेक्सा की गाड़ी। कौन सी है गाड़ी, फ्रॉन्क्स है, ग्रैंड विटारा है, बलिनो है, जिम्नी है, कौन सी है वो अंदर चल के पता लगेगा। देखो ये है भाई जिम्नी, मारुति सुजुकी की जिम्नी है, देख लो ये टॉप मॉडल है भाई इसका। तो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई अंदर से, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है भाई। ये देखो 4x4 ब्रिजस्टोन के भाई इसमें टायर आ रहे हैं, ये देख लो भाई आर अपना है 15, ये देखिए R15 के भाई टायर हैं और काफ़ी सही है और टॉप मॉडल है भाई ये, जिसे कहते हैं ऑल ग्रिप। तो भाई ये गाड़ी है कौन सी गाड़ी है वो अभी आगे जाके पता लगेगा। थोड़ा सा सस्पेंस तो भाई बनाए रखते हैं ना हम वीडियो में, आपको जैसे पता ही है हमारी इससे प्रीवियस वीडियोस में हम कितना सस्पेंस बना के रखते हैं। या ये वाली गाड़ी है भाई ग्रैंड विटारा, भाई मारुति सुजुकी वालों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दी है और ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ निकाल दी है, मज़े आ गए भाई देख के। ग्रैंड विटारा, बलिनो नया वाला मॉडल, और भाई चलो जिम्नी तो आई गई, 4x4 भी इन्होंने निकाल दी। बट ये है थोड़ा सा, मैं बताऊंगा किस चीज़ में लैग कर रहे हैं आगे वीडियो में। भाई ये है ग्रैंड विटारा जिसमें मैं अभी करंटली बैठा हूँ, ये भाई ऑटोमेटिक का टॉप मॉडल है, ये देखो सनरूफ के साथ। और इसमें काफ़ी अच्छी डिस्प्ले लगी हुई है भाई, हेड्स अप डिस्प्ले है, पावर स्टार्ट स्टॉप है, सारे क्रूज कंट्रोल है, सारी चीज़ें हैं, ट्रैक्शन है और ऑटोमेटिक है भाई। बढ़िया गाड़ी है बिल्कुल इंटीरियर वाइज। अभी आपने साउंड सुनी होगी जब इसने गेट बंद करा, एक बार फिर से करियो बंद। बिल्ड क्वालिटी भाई ये देखो बिल्ड क्वालिटी कितनी इंप्रूव कर दी मारुति वालों ने, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। इंटीरियर वाइज ये हेड्स अप डिस्प्ले जैसा किया वीया में आता था भाई। ये देखो डुअल सीट एयर कन्वर्टर, मतलब दोनों सीटों के लिए अलग अलग वो आप लोगों के लिए ड्राइव मोड, ईवी मोड, सारी चीज़ें हैं भाई इस मॉडल में, ऑटोमेटिक वाले में ग्रैंड विटारा के। इसका प्राइस और वो सब अभी अगर पता लग गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, वरना मैं मैंशन कर दूँगा। ग्रैंड विटारा के बारे में भाई ये देख लो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इंजन, पावर स्टीयरिंग। जैसे मैं आपको जिम्नी विम्नी का दिखा रहा था, जिम्नी से तो भाई मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, वो मैं अभी डिलीवरी लेने के बाद बताऊंगा आपको वो क्यों। बाकी और जो गाड़ियाँ हैं ग्रैंड विटारा हो गई, फ्रॉन्क्स हो गई, वो काफ़ी अच्छी हैं, प्रीमियम गाड़ियाँ मतलब अब बना रही है मारुति सुजुकी। पहले होता था रफ एंड टफ, मतलब रफ एंड टफ नहीं मैं वर्ड यूज़ करूँगा, मतलब ऐसे नॉर्मली कि एवरेज के लिए उसके लिए गाड़ियाँ लोग प्रेफर करते थे कि फैमिली कार ले रहे थे। लेकिन अब ये लोग अपनी क्लास, इंटीरियर, एवरीथिंग मतलब इतनी चीज़ें दे रहे हैं, मतलब मैं अभी इस गाड़ी में देख के चौंक गया कि डुअल जो सीट क्या कहते हैं वेंटिलेटेड सीट्स होती हैं वो डुअल वाली हैं, मतलब ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर वाली उसके लिए भी जो साथ बैठे होते हैं। बढ़िया भाई, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है ऑटोमोबाइल इसमें। तो अब मेरे को लग रहा है इन्विक्टो वगैरह और वो सब भी ये धीरे धीरे करके लॉन्च कर रहे हैं। और मैंने सुना था कि भाई जैसे फॉर्च्यूनर वाली गाड़ी भी आ रही है ना, वो जो फॉर्च्यूनर टोयोटा वालों की जो फॉर्च्यूनर है उनका पता नहीं पेटेंट ले रहे हैं, डिजाइन ले रहे हैं, क्या लेते हैं ये लोग, आई डोंट नो। बट मारुति सुजुकी, हाँ मारुति सुजुकी वाले भी एक फॉर्च्यूनर लॉन्च करेंगे, जैसे इन्होंने अपनी इनोवा कर दी थी, हाई क्रॉस की इन्होंने इन्विक्टो कर दी ना, हाँ वो लॉन्च कर दी थी। बाकी भाई ये मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई ऑटोमोबाइल में बिल्कुल मैं वो हूँ, जितनी मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बाकी आप वीडियो एंजॉय कर रहे होगे। अभी साइन वाइन हो गए पेपर, अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं डिलीवरी पे। ओके सो भाई मोमेंट आ गया वाला जब हम भाई गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं, और भाई अभी पर्दा उठाएगा और गाड़ी दिखा देगा कि कौन सी लिए भाई ने। इसमें नंबर प्लेट वगैरह सारी डल गई हैं और सारी एक्सेसरीज़ वगैरह डल गई है। बाकी ये मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर पार्ट 2 बनाऊँगा तो उसमें आपको इंटीरियर वगैरह और सारी चीज़ें बता दूँगा, इसका रेट वगैरह और वो सब। बट देखो आगे वीडियो में चलते हैं, और इसकी अब फाइनली डिलीवरी लेते हैं। चलो भाई, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ डिलीवरी, अब फाइनली ले रहे हैं। ये देख लो भाई, सच गई। काफ़ी अच्छा जैक्शन था भाई नेक्सा वाले। भाई जिस गाड़ी का वेट था वो है भाई अपनी ग्रैंड विटारा गाड़ी। ये भाई मारुति सुजुकी नेक्सा वालों की ग्रैंड विटारा। ये देखो भाई नंबर लग गया, नंबर मैं छुपा लेता हूँ, अगर दिख गया होगा तो भाई नंबर छुपा लेता हूँ। और भाई सारी डिटेल्स वगैरह और वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा आने वाली वीडियो में। तो भाई एक एम रख लूँगा, वो अभी एंड में बताऊँगा आपको, ठीक है। तब तक ये देख लो भाई, इसके शॉर्ट्स इन्जॉय आगे। ग्रैंड विटारा हमने ले ली है, तो भाई कांग्रेचुलेशंस भाई आपको। और भाई ये है कि ग्रैंड विटारा ऐसी गाड़ी है जो भाई मारुति सुजुकी वालों ने अपनी गाड़ी निकाल दी है उस सेगमेंट की जो कि किया सेल्टॉस, क्रेटा, इनको टक्कर देने वाली भाई गाड़ी। इतनी बढ़िया गाड़ी है और ये वैल्यू फॉर मनी कार है। क्यों भाई? और भाई इसमें सारे वेरियंट आते हैं, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल के, CNG के साथ, CNG के साथ भी आते हैं। तो भाई सारी डिटेल्स वगैरह वैसे तो मैंने मेंशन कर दी होगी। और ये भाई थोड़ी सी ना कार से जो ऑटोमोबाइल लवर्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन रही होगी। तो भाई जिसे पसंद आ रही है भाई वो लाइक कर सकता है, जिसे नहीं आ रही नो इश्यूज़। आगे वीडियो और भी बढ़िया आने वाली है। अभी भाई गौतम का टूर लगने वाला है शिमला का, तो वो आपको नहीं, शिमला नहीं, मनाली का, तो वो आपको एक नंबर मनाली का टूर करवाएगा, अपने दोस्तों के साथ जा रहा है वो। तो वो आप चेक करना, और मेरे ख्याल से वो किसी बेकरी भी जाएगा, वो भी आपको बताएगा। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू। और भाई अब ये 18 का हो जाए, फिर ये अपना लाइसेंस बनवा के गाड़ी चलाया करेगा, फिर तो लेने वेने ट्रिप मारा करेंगे हम। फिर तो ट्रिप मारा करेंगे। ये थोड़ा सा ना भाई फैमिली ब्लॉग हो गया। अभी दोस्त यार थे नहीं, मैंने बोला था गौतम को कि आ जाए, बट वो आया नहीं। उल्कित आज कहीं और बिजी है, शायद कॉलेज गया हुआ है, फ़ोन उठाया नहीं उसने, मेरे ख्याल से कॉलेज ही गया हुआ। तो फाइनली भाई सारा पेपर वर्क हो गया है यहाँ पे, और भाई निकलने का टाइम आ गया। गाड़ी हमारी उतर रही है भाई इससे। तो भाई मैं यही कह रहा था कि भाई मैं सारा इंटीरियर वगैरह और वो सब आपको बताऊंगा, क्या मॉडल लिया, कितने का पड़ा। बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी कार है मारुति सुजुकी वालों की तरफ से, और इतना बढ़िया सेगमेंट में ये लोग दे रहे हैं। और भाई ये है कि एक प्राइस आपको बता देता हूँ कि भाई 13 लाख रुपये की हमें ये गाड़ी पड़ी है। सारा इंटीरियर और वो सब देखने के लिए भाई आप पहले लाइक करो वीडियो को, और सबसे ज़्यादा मतलब अगर इस वीडियो पे एक एम रखते हैं कि अगर 100 लाइक अगर इसमें आ गए वीडियो पे, तो मैं भाई पार्ट 2 पक्का डालूंगा और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू फॉर मनी कार कैसे है। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो मस्करे व्लॉग्स चैनल को। आने वाले व्लॉग्स बहुत बढ़िया आने वाले, न्यू ईयर के बाद तो बढ़िया व्लॉग्स आएंगे भाई। चलो मिलते हैं अगली बार। एंड भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शर्मा फैमिली। तो भाई आगे भी ऐसी गाड़ियाँ आती रहेंगी और हमारे ग्रुप में भी आएंगी अभी गाड़ियाँ। अभी तो मेरी फैमिली में गाड़ी आई है, हमारे ग्रुप में भी गाड़ी आने वाली है, उसका भी वेट करना आप लोग और देखते रहो मस्करे व्लॉग।